वज़ीर-ए-आज़म के सिख बरादरी से किए गए वादे को अमली जामा पहना दिया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान करतारपुर राहदारी को फाल करने से मुतालिक माहदे पर दस्तखत। पाकिस्तान की जानिब से तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने माहदे पर दस्तखत किए। करतारपुर राहदारी का बाकायदा इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म 9 नवंबर को करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल कहते हैं, जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की पॉलिसी में रत्ती बराबर तब्दीली आई है ना आएगी, ये बात वो करतारपुर राहदारी पर खड़े होकर कह रहे हैं। बोले, ये मुआहदा इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान में अकलियतों का ख्याल रखा जाता है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत से सानहा साहिवाल केस का फैसला आ गया। अदालत ने मुकदमे में मुलविस तमाम मुलजिमान को शक का फ़ायदा देते हुए बरी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मकतूल जीशान के भाई एहतशाम समेत 49 गवाहों के बयान कलमबंद किए। मुकदमे के दौरान सानहा साहिवाल के मकतूल खलील के बच्चों उमैर, मुनीबा, भाई जलील, दीगर ने भी बयान कलमबंद कराए। साहिवाल के करीब जनवरी में CTG अहलकारों के मुबैना ऑपरेशन के दौरान 4 शहरी शहीद हो गए थे। कुछ बिल्डर्स ने माल बटोरा दुबई और फिर उससे आगे चले गए। ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई करके मजलूम का साथ दिया गया तो इसमें क्या बुरा है? चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कराची में FPCCI के अरकान से खिताब, कहा 20-20 साल से धक्के खाने वालों की आवाज बनना मेरा जुर्म है, हमें कारोबारी अफराद के भेस में जालसाजों में फर्क करना होगा। नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई और अलजीजिया रेफरेंस में सजा मौतली के लिए दरख्वास्त एतराज़ के साथ समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत करेंगे। शहबाज शरीफ की जानिब से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि उनके भाई की सेहत बहुत ख़राब है, उन्हें पाकिस्तान या बैरून मुल्क इलाज की इजाज़त दी जाए। मियां नवाज शरीफ लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में जेरे इलाज, मेडिकल बोर्ड के सरबरा डॉक्टर महमूद अयाज का कहना है कि नवाज शरीफ की तिली के बेतरतीब काम करने से प्लेटलेट्स टूट रहे हैं, जिसकी एक दवा शुरू करा दी गई है। PET स्कैन के लिए आज PKLI ले जाया जाएगा, जिसके बाद दूसरी दवा शुरू करने का फैसला होगा। उम्मीद है कि 3 से 4 रोज में नवाज शरीफ की तबीयत में बेहतरी आएगी। नवाज शरीफ की सेहत पर तबादला ख्याल के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी एडवाइजरी बोर्ड का हंगामी इजलास। कायदीन शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पहुंचना शुरू हो गए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, सारी पार्टी नवाज शरीफ की सेहत पर परेशान है, बाहर जाने का फैसला नवाज शरीफ का जाती फैसला होगा। कराची के आवाम ने 18 अक्टूबर को विफाक को पैगाम भेजा है कि हम आपकी पॉलिसियों के खिलाफ हैं। PS-11 लाड़काना में पीपल्स पार्टी को नहीं जमहूरियत को शिकस्त हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी की थरपारकर में NED यूनिवर्सिटी मिठी कैंपस के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान ने कारोबार के लिए साजगार माहौल और सहूलतों की फराहमी में भारत और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया। आलमी बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 जारी, रैंकिंग में पाकिस्तान की 28 दर्जे बेहतरी। पाकिस्तान इस्लाहात करने वाले टॉप 10 ममालिक में शामिल हो गया। रिपोर्ट में पाकिस्तान की पोजीशन 136 से बेहतर होकर 108 पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक दर्जे में बेहतरी की वजह विफाक और सूबों की जामे इस्लाहात हैं। विफाक, सिंध और पंजाब ने नुमाया इस्लाहात की हैं। मुशीर तजारत अब्दुलरज़ाक दाऊद का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया में कारोबार में आसानी के लिए इस्लाहात करने वाले मुल्कों की रैंकिंग में 6 नंबर पर आ गया है। कारोबार शुरू करने की राह में हायल रुकावटें दूर कर रहे हैं। सरमाकारी के लिए किसी भी मुल्क की डूइंग बिजनेस रैंकिंग बहुत अहमियत रखती है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, पेट्रोलियम और वजारत तवानाई ने भी कारोबार में आसानी के लिए लिस्ट बना ली है। बैरूनी सरमाकारों को रागिब करने के लिए सहूलतें देने का सिलसिला जारी है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस, वजारत दाखिला ने इस्तगासा की टीम तहलील कर दी।
इस गासा की टीम को 6 साल बाद गुज़िश्ता रोज़ तहलील किया गया। खुसूसी अदालत में इस गासा टीम की बरतरफी का नोटिफिकेशन पेश। अदालत ने केस की समाअत गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर की एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। आज़ाद कश्मीर का यौम तासीस आज मनाया जा रहा है। ज़ालिम डोगरा हुक्मरानों के तसल्लुत के खिलाफ 24 अक्टूबर 1947 को कश्मीरियों ने जदोजहद करके रियासत जम्मू और कश्मीर का एक हिस्सा आज़ाद कराया और आज़ाद कश्मीर के नाम से कश्मीरियों की नुमाइंदा हुकूमत की बुनियाद डाली। सियालकोट के इलाके डस्का में नामालूम अफराद की फायरिंग। 3 अफराद जांबहक। जांबहक अफराद में 6 साला बच्ची, बाप और बेटा शामिल। वाकये के बाद मकतूल के वरुसा का डस्का रोड पर लाशें रखकर एहतजाज, ट्रैफिक ब्लॉक। और पाकिस्तान बांग्लादेश विमेन T20 क्रिकेट सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई आज होगी। दोनों टीमों की गजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। सीरीज का पहला T20 हफ्ते को खेला जाएगा।